स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का। मैं हूं जब्बार खान। आखिर बार बार पश्चिम बंगाल लाल क्यों होता है? ममता के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठते हैं? राजनीतिक हत्याएं क्यों होती हैं? आम आदमी खौफ में क्यों है? ममता सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन क्या अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? क्या ममता बनर्जी के राज्य में किसी एक समुदाय, किसी एक संगठन, किसी एक समूह, किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सब कुछ, सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधा मिलती है या मिल रही है? आज सवाल यह है कि तेहरे हत्याकांड के 2 दिन के बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? 2 दिन पहले एक अध्यापक की हत्या हो जाती है, उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी जाती है, उसके मासूम 8 साल के बच्चे को निर्ममता के साथ में मौत के घाट उतार दिया जाता है, मगर ममता सरकार के माथे पर बल नहीं आता। क्यों? जवाब कौन देगा? तो फिर ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक लिंचिंग बोलती है तो फिर इसमें गलत क्या है? मगर वो पुलिस जिस पुलिस का यह कहना है कि हम सबको सुरक्षा देते हैं, कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाते हैं, 2 दिन बीत जाने के बावजूद अगर पुलिस के हाथ खाली रहे, सुराख किसी किस्म का ना हो, तो फिर सवाल किन किन पर उठना चाहिए और किन किन पर उठ रहा है? क्या यह एक राजनीतिक हत्या है? क्या कानून व्यवस्था का मसला है? और पुलिस जैसा कि एक चिट्ठी के आधार पर यह भी शक जता रही है कि उस दंपत्ति के बीच में भी कुछ अनबन चल रहा था, कुछ लेन देन की वजह से यह एक जाति रंजिश का नतीजा हो सकता है, तो सवाल यह कि अब तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतने सारे सवालों के बीच में ममता बनर्जी बड़े आराम से अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में बेशुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, और ऐसा नहीं है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई है, उनकी भी हुई है। तो क्या यह सवाल महज कानून व्यवस्था तक ही सीमित है, या फिर यह राजनीतिक हत्या है जो 1967 के बाद से, या फिर उस दशक से लेकर के 60 के दशक से लगातार देखने और सुनने को मिलता आ रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, मगर उससे पहले रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। ममता राज या पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, मुर्शिदाबाद में हुई हत्या की वारदात से तो यही लगता है कि ममता राज में निर्ममता से हत्या हो जाती है और जवाबदेही के लिए कोई आगे नहीं आता। जी हाँ, रातों रात आरएसएस के कार्यकर्ताओं की उसके परिवार समेत हत्या कर दी जाती है और कहीं कोई सुराग तक नहीं मिलता। हत्या की इस वारदात के बाद से आरएसएस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बीजेपी भी हमलावर है। बंगाल में हुई इस वारदात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप हैं, इसलिए उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में कानून का राज ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज ही बचा है। इससे पश्चिम बंगाल के लाइन ऑर्डर का चेहरा बहुत साफ दिखाई देता है। पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी, 8 साल के बहुत बच्चे की, महिला प्रेग्नेंट थी, कितनी क्रूरता है। दिक्कत यही है कि चीजों को फैक्ट्स और सत्य के बुनियाद पर कम से कम स्वीकार भी तो करना चाहिए। एक चीज तो स्वीकार करेंगे ना कि राजनीतिक हत्या या कानून व्यवस्था का मसला है। समीर जी, कैसे इसको देखें? मुझे लग रहा है नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर ये कानून व्यवस्था का मसला है तो उसकी जांच होगी और आरोपितों को दंडित किया जाएगा। अरे सर, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था का अगर मसला है, अगर ये राजनीतिक हत्या है तब भी कानून व्यवस्था का मसला नहीं है क्या? अगर ये राजनीतिक हत्या है क्या तब भी ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है? जब्बार भाई, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आज बंगाल के अंदर जो राजनीतिक हत्या है,
का चरम दौर पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके पहले मुझे लगता है कि थोड़े हमें इतिहास में जाना पड़ेगा बंगाल के। आप देख सकते हैं कि जब सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार हुआ करती थी उस समय कम्युनिस्टों ने भी वहां पर एक हिंसा का तांडव किया था। 33 साल सत्ता में रहने के बाद सिवाय वहां आतंक के दम पे सत्ता बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, और इन्हीं कम्युनिस्टों से सीखकर ममता बनर्जी ने भी वहां पर विपक्ष में रहते हुए आतंक राजनीतिक दलों की हत्या करना, विरोधी नेताओं की हत्या करना, सारी बातें ठीक है सर, सारी बातें ठीक है। किस तरीके से पहले कांग्रेस, कांग्रेस के बाद में लेफ्ट, लेफ्ट इतने वर्षों तक किस तरीके से क्या कुछ करते रहे, फिर टीएमसी आई, वो कैसे कहा यह जाता है कि वो सारे एलिमेंट्स टीएमसी में शिफ्ट हो गए, अब टीएमसी इस तौर पर तांडव मचा रही जो कि आरोप लगते आए। बिल्कुल, मगर इन तमाम चीजों के बीच में ये क्या है, ये राजनीतिक हत्या है या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है? मुझे लग रहा है ये ममता बनर्जी का भय है, सत्ता गंवाने का डर है, और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने की एक लालसा है। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 18 सीटें जीती और खाली 4 सीटें ज्यादा ममता बनर्जी को मिली है। तो ममता बनर्जी का पूरा ध्यान किसी भी तरह सत्ता में बने रहना और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में डर और दहशत का माहौल क्रिएट करके सत्ता हथियाना है। आप देख सकते हैं अभी पिछले साल जब पंचायत चुनाव हुए तो 30% उम्मीदवारों को वोकल नहीं दिया गया चुनाव लड़ने का, टीएमसी के गुंडों ने वहां पर 30% नेताओं को, विपक्षी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने का, और सिवाय गुंडागर्दी के सत्ता में बने रहने का ममता बनर्जी का कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। यह सीधा सीधा सत्ता हथियाने, सत्ता में बने रहने और भय का वातावरण क्रिएट करके, लोगों में आतंक का माहौल क्रिएट करके, राष्ट्रभक्त और देशप्रिय लोगों को मार के सत्ता में बने रहने का ममता बनर्जी का निजी एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ये माने तो सही, कम से कम सरकार में बैठे हुए कोई एक चीज तो मानेंगे, कानून व्यवस्था का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस प्रशासन अपना काम सही से कर नहीं रहा है। जैसे व्यक्ति कभी नहीं मान सकते हैं, जिन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है और हिंसा के दम पे जो सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चलते हैं वह कभी यह नहीं समझेंगे। जनता उन्हें सबक सिखाएगी, जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में सबक सिखा दिया है और अगले विधानसभा चुनाव में जनता ममता बनर्जी को सबक सिखा देगी, जिस तरह से वामपंथियों को बंगाल में और त्रिपुरा में सबक दिया। नहीं नहीं, 5 साल पर चुनाव आएंगे तब तक ये हत्याएं होती रहे, बिल्कुल नहीं होगी। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इस पर पूरा ध्यान रखेगी और हो सकता है अगर यही स्थिति जारी रही तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब ऐसी स्थिति में शिवम त्यागी जी, ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर एक तरफ ममता सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री और सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं हमारी पार्टी के ऊपर, हम पर, मगर ये कोई ना कोई एक चीज तो है, या तो राजनीतिक हत्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक 14 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, खुद टीएमसी के करीब 13 लोगों की हत्या कर दी जाती है, तो ये राजनीतिक हत्याएं नहीं तो क्या सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक पुलिस का फेलियर है? अलावा राजनीतिक हत्याओं के ये कुछ हो ही नहीं सकता। जब्बार जी, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं। हमारी एक कार्यकर्ता हुआ करती थी प्रियंका, जो अभी भी है, उन्होंने एक मीम बनाकर शेयर कर दिया था, ममता बनर्जी जिनको आप कहते हैं, टेक्निकली उनका नाम मुमताज बानो कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उनका एक मीम बनाकर शेयर किया था, उसके लिए उनको FIR दर्ज हुई थी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो आई और वहां से उनको फटकार लगी, और जब उनको निकाला गया वो भी 48 घंटे डिले के बाद। श्रम त्यागी जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, लगातार बंगाल हिंसा में जिस तरीके से जलता हुआ आया है और अभी भी 13 हत्याकांड जिस तरीके से देखने को मिला, इसे कैसे आप देखते हैं? क्या आपके निगाह में, चूंकि आप प्रभारी वहां के, ये राजनीतिक हिंसा है, हत्या है या कानून व्यवस्था का मसला है? दोनों ही बातें इसमें, कानून व्यवस्था फ्लॉप है और राजनीतिक हिंसाओं की भरमार है वहाँ। पिछले 5 दिन के अंदर 4 हत्याएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और यह सिर्फ आतंक फैलाकर जनता के बीच में, और आगामी चुनाव चाहे लोकल बॉडीज के हो चाहे विधानसभा के हो, वहाँ पर कैसे हम TMC के लोग अपने गुंडागर्दी के माध्यम से कब्जा करें, इसलिए नियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर कैलाश जी, सिर्फ हत्याएं भारतीय जनता पार्टी या RSS या दूसरे ही पार्टी के लोगों की सिर्फ नहीं हुई है, TMC के कार्यकर्ता और नेताओं की हत्या हुई है। 2014 के बाद से आंकड़े आपके सामने भी होंगे, तो हो तो रही है सभी तरफ से। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की है, क्योंकि वहां पर जो लूटपाट है, पैसों की पंदरवाट है, जो सिंडिकेट राज है, उनसे उनके विवाद है, और उसमें उन्होंने झूठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया है, और इसलिए वहाँ जो भी हत्या हो रही है वो सिर्फ टीएमसी के गुंडों के द्वारा की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के लोगों की हो, चाहे बीजेपी के लोगों की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो कुल मिलाकर हत्या
के लिए जिम्मेदार ममता जी हैं, उनकी सरकार है और उनके गुंडे। नहीं तो आप लोग खुलकर ओन भी तो नहीं कर रहे हैं सर, ये 13 हत्याकांड में उस शख्स के बारे में कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे या बीजेपी से उनका जुड़ाव था, खुलकर पूरे तौर पर आप लोग कह भी नहीं रहे। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं, हमेशा कैसे करते आ रहे हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार ममता जी, हमेशा कहते आ रहे हैं। नमस्कार जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया आप कैलाश विजयवर्गीय जी आर नाइन टीवी पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और ऐसे में जितेंद्र नरेगा जी, जाहिर तौर पर हत्याएं सिर्फ किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं हुई है, उसमें खुद टीएमसी के भी शामिल हैं। आज के इस पूरे हत्याकांड को अब तक पुलिस के हाथ खाली है, तीसरा दिन खत्म हो रहा है और ऐसे में ममता बनर्जी अब तक खामोश है, आपकी निगाह में भी यह राजनीतिक हत्या नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं जब्बार जी, जब किसी प्रदेश में किसी का राज होता है तो पहली बात तो जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की उसी पार्टी की होती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य में जो मुखिया होता है जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की उसी की है। अब इसको आरएसएस या टीएमसी, वहाँ की जनता पिस रही है। आप मुझे बताइए इस लोकतंत्र संविधान को किसको अधिकार दिया कानून को हाथ में लेने का, किसी की हत्या कर देने का? तीन तीन चार चार मर्डर हो गए एक दिन में और इसकी मुख्यमंत्री का चुप रहना ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जनता जो है, जनता की मालिक एक मुख्यमंत्री होती है, उसी पर भरोसा होता है। मैं आपको बता दूं ये इतिहास कोई आज का नहीं है, पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है वो पुराना रहा है। मैं वर्ष 1977 से और 1996 तक की बता रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए। 28,000 ठीक है, ठीक सर, मैं और बता देता हूँ। एनसीबीआर के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 बंगाल राजनीति के झड़प के कारण 91 घटना हुई और 205 लोग। यही सवाल है सर, हम इसको अपने टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। ये जो तफसील है वो जनता इस वक्त देख रही है, मगर इसके पीछे की असल वजह किस तौर पर देखा जाए। मैं काफी देर से आया नहीं आपके पास विष्णु जी। डॉक्टर सर मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनकी व्याख्या करी थी, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में वहां पे उद्योग नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, वहां ज्यादातर बेरोजगारी है, जनता ज्यादा, तीसरा कारण ये भी है, जनता वहां पे बढ़ गई है तो लोग वहां खेती में से उसका गुजारा नहीं होता, इस कारण से वो लोग राजनीति में के मंचों में राजनीति में जुड़ जाते हैं, वहां के जो आम जनता है। ठीक है, वहां पर नगर निगम अन्य विभागों का ठेका लेकर उसे फायदा उठाने का वसूली का धंधा करते हैं, ये भी एक मुख्य वजह है वहां की हिंसा की। विष्णु विनोदम जी, कोई भी हत्या होती है और जिसमें नाम के आधार पर उसकी वजह और उसकी व्याख्या की जाती है, आपकी निगाह में इसे कैसे देखा जाए? देखिए जव्वार जी, जो भी हो रहा है बंगाल में एक बहुत लंबे समय से बहुत गलत हो रहा है, और जैसा है अभी दिलीप जी ने कहा इस बात को कि सरकार बीजेपी की जिम्मेवार है, जो राजा होता है जिस प्रदेश का या जिस जगह का वो ही जिम्मेवार होता है। आप जिम्मेवारी किसी और पे नहीं डाल सकते, आप अगर ये चाहें कि किसी और पे जिम्मेवारी डाल दें तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसकी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए आपको आगे कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि केंद्र में वो है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं। बट इसमें केंद्र सरकार इसमें अभी क्या कर सकती है जब मौजूदा वक्त की राज्य की सरकार ही उससे आंख मुदे हुई है? दिलीप पाठक जी, क्यों ये ना कहा जाए कि आपकी सरकार ही वहां पर आंख बंद किए हुई है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो आपकी पार्टी से उसका जुड़ाव नहीं, दूसरी पार्टियों से उनका ताल्लुक है या फिर आरएसएस से ताल्लुक है। पानी किया जाएगा और बनने दिया जाए और भी प्रांतों को देखा जाए वहां से क्या हो रहा है। यहाँ तो जांच ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो अपराधियों को, हत्यारों को और जो मुझे लगता है कि मैं इसमें बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बंगाल को इस अराजक माहौल में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं आपको मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की घटना बताता हूं कि जो बंगाल में अभी हत्या हो रही है उसी तरह से केरल में भी लगातार संघ के कार्यकर्ताओं की और भाजपा के नेताओं की लगातार हत्या होती रही थी, और लंबे समय तक केरल में संघ और भाजपा के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है वहां पर। मुझे लग रहा है उस समय राजनाथ सिंह ने जब केंद्र में गृहमंत्री रहते वहां के राज्यपाल से बात की थी और वहां से रिपोर्ट मंगवाई थी, और बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां की
सरकार से कह दिया गया था कि अगर यह हत्याओं का तांडव चलता रहेगा तो केंद्र सरकार इसमें कड़क कदम उठा सकती है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इस पर रिपोर्ट मंगाना चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर पूरी नज़र रखना चाहिए, राज्यपाल को इसकी संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि पश्चिम बंगाल में एक आतंकी सरकार से, जनता को लूटने वाली सरकार से, राजनीतिक हत्या करने वाली सरकार से, विपक्ष के नेताओं को मारने वाली सरकार से, संघ के स्वयं सेवकों को मारने वाली सरकार से मुक्ति दिलाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिससे अगले चुनाव में वहां पर लोकप्रिय जनप्रिय सरकार को स्वीकार करेगी। जब स्वीकार करेंगे टीएमसी कि हाँ ये चीज है क्या, एक्चुअली कानून व्यवस्था का मसला है या फिर राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए, स्वीकार तो कर नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस अपना काम कर रही है, दूसरे राज्यों में भी ऐसी चीजें होती है, यहां पर भी वो चीज हुई है, हत्या हुई है, जांच उसकी कराई जा रही है, जांच के बाद भी जो दोषी होंगे उनको उसकी सजा मिलेगी। कैसे जांच कराएगी ममता बनर्जी? जो ममता बनर्जी एनआरसी के लिए तैयार नहीं है, जो ममता बनर्जी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, जो ममता बनर्जी रोहिया मुसलमानों को रखकर उनको अपने कार्यकर्ता बनाने के लिए तैयार है, वामपंथी के गुंडों को अपने पार्टी में शामिल करके उन्हें हिंसा के लिए प्रवृत्त करके इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करने के लिए जो मुख्यमंत्री तैयारी दर्शाता है, वह कानून की व्यवस्था वहां लागू नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी की सरकार का अंतकाल निकट आ गया है और जल्दी यह सरकार जो सिद्ध हो जाएंगे उनको आप करेंगे क्या, ये तो बताइए ना आप। अरे सर दिलीप पाठक जी, दिलीप पाठक जी आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसको बता तो नहीं रहे, आप दूसरी बातों को ला करके इस मुद्दे को भटकाइए मत। सर सवाल दो ही मैंने शुरू में आपसे किए थे कि ये क्या है, इसको कैसे देखा जाए, या आप दूसरे राज्यों का हवाला देकर के कि साहब उत्तर प्रदेश में भी हत्याएं होती है, दूसरी जगह हत्याएं होती है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके राज्य में हत्याएं होती रहे। वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, जांच होकर जो होता दूध का पानी के पानी में क्लियर होकर आएगा। अब उससे लिए मैं पूरे राज्य को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ क्लियर होकर सब रिजल्ट मिलेगा वहां का, और रिजल्ट होकर जो भी होंगे दंडित। शिवम त्यागी जी नहीं तो दिलीप पाठक जी विश्वास दिलाएंगे कैसे? आपने अभी पूछा कि जो 19 लाख एनआरसी में लोग आए हैं उनको कहाँ भेजोगे? अरे भाई उनको हम कहीं भी भेजेंगे लेकिन उस प्रदेश में नहीं रखेंगे, देश में नहीं रखेंगे। टीएमसी को बिल्कुल साफ समझने की जरूरत है कि किस तरह से उसने पश्चिम बंगाल का हाल किया है। ममता बनर्जी उस जमाने की, जब देखा था आपने एनआरसी के मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने पेपर्स को स्पीकर के मुंह पर फेंक कर मारा था, यही उनका स्टैंड था कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, जब वामपंथ की सरकार थी। आज वो खुद सरकार में बैठी है तो वही गुंडा राज है। जैसे वामपंथ की 35 साल की सरकार में 23,000 किलिंग्स हुई, आज यही 11,000 किलिंग्स इनके सरकार में भी उसी हिसाब से हो रही है। आपने बदला क्या? और इसके अलावा आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। अरे भाई जब आपके यहां पर कमिश्नर को सीबीआई बात करने आती है उसके लिए तो ममता दीदी रात को 12 बजे धरने पर बैठ जाती हैं, जब अन्ना के आंदोलन में आ जाते हैं तो रात रात में दिल्ली आने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब किसी भारतीय जनता पार्टी या संघ के कार्यकर्ता की हत्या होती है तो आप कहते हैं ये तो एक डेमोक्रेटिक फेलियर है, या फिर ये कहिए सिस्टम के हिसाब से जो भी चीजें होंगी वो जरूर होंगी। अरे भाई कब तक आप इस तरह से पश्चिम बंगाल को जलाते रहोगे? आपने जिस चीज से लड़कर सत्ता पाई थी आज उसी के सत्ता भोगी हो गए हैं आप, वही भोग रहे हैं, लोगों को दिन रात मार रहे हैं वहां पर, किसी को करने नहीं दे रहे। आप केंद्रीय मंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर जब आप यूनिवर्सिटी में लात घूंसे चलवा सकते हैं तो वहां एक भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता कैसे जी रहा होगा, कल्पना कीजिए इसकी। और आप कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, अरे उत्तर प्रदेश छोड़िए आप, और आप बार बार जो पूरे देश की जो व्याख्या करते हैं, इस पूरे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी किसी वजह से नहीं आई या हार गई, लेकिन कभी किसी को रैली करने के लिए मना नहीं किया गया, कभी किसी के हेलीकॉप्टर उतरने से नहीं रोके गए, सबको करने दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब कीजिए। और मैं इसी कहूं मैं बात को आगे जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रैली में किस तरह से दंगा किया था इन लोगों ने, अगर नहीं ईश्वरचार विद्यासागर की मूर्ति किसने तोड़ी थी, ईश्वरचार विद्यासागर की मूर्ति टीएमसी के गुंडों ने तोड़ी थी, अमित शाह की रैली में गुंडागर्दी किसने की थी, हिंसा किसने की थी, ये सब टीएमसी के गुंडे थे जो डर गए थे कि अमित शाह की रैली के बाद, प्रधानमंत्री नोरी के रैली के बाद बंगाल में भाजपा का कमल खिलने वाला है, और इसलिए उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी की थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर टीएमसी को सबक सिखा दिया। भाजपा के लोग थे, इन लोगों की प्लानिंग बजट की होती है, जो पार्टी ये बोले कि अगर पानी से जिंदगी निकाल ली जाएगी तो बचेगा क्या,
जो पार्टी ये बोले कि पानी से बिजली निकालनी आएगी तो उसे पंचे का क्या, उसके बारे में क्या हो सकते हैं? ठीक है, अगर अगर वो सारे दिलीप पाठा पार्टी के लोग आप ऐसा मानते हैं तो पाठक जी, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक काम करिए, सदस्यता अभियान चल ही रहा है, ममता बनर्जी को भी एक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा दीजिए, तो फिर उनको एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पाठक उसी तरह से दिलीप पाठक, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि जितने भी अब तक ज्यादातर मामले हुए उसमें टीएमसी के वर्कर्स का नाम सामने आया? एक शव ऐसा भी मिला जिसके पीठ पर लिखा हुआ था कि टीएमसी के खिलाफ राजनीति करोगे तो यही हश्र होगा, क्या इससे समझा जाए? नाम आया लेकिन जांच में क्या आया ये बताइए ना, जांच में क्या निकल के आया ये तो बताइए ना, निष्कर्ष क्या निकल के आया? नाम में तो कोई भी दे सकता है, नाम में तो कोई भी दे सकता है, फर्जी एफआईआर तो किसी के भी खिलाफ करी जा सकती है। अरे दिलीप जी, मान लो कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, टीएमसी के पूरे नेता शारदा चिटफंड में पैसा बनाने में भ्रष्टाचार करने में इन्वॉल्व रहे हैं, मान लो बैंक को माला पहनाई जा रही है तो कानून व्यवस्था मजबूत है, काशी महाराज लोगों से मिलने जा रहे हैं, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है तो कानून व्यवस्था से मजबूत है। ठीक है, भारत में जय श्री राम नहीं बुलवाएंगे तो क्या पाकिस्तान में बुलवाएंगे? ठीक है, बीजेपी से क्वेश्चन है, शरद पवार के ऊपर एक आरोप, ठीक है ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी वाले ये बता दे, जब एक तरफ ये कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे ने आतंक मचा रखा पश्चिम बंगाल में, तो जब टीएमसी के गुंडे इनको अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको चुनाव लड़ाते हैं, तब वो गुंडे कैसे महात्मा बन जाते हैं? जरा इसका जवाब दे दे मुझे। जवाब दे देता हूँ जितेंद्र जी, जब आस्तीन का जब घर का मुखिया स्ट्रिक्ट होता है ना, तो कोई भी बच्चा हो या कोई भी बुजुर्ग हो सब लाइन से चलते हैं। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी के, इस भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय दामोदर दास मोदी है, आप देखते हैं ना किस तरह से सब सही हो जाता है और कैसे चलते हैं। ये कोई कांग्रेस थोड़ी ना है कि जब चुनाव आया तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाते हैं बैंकॉक घूमने, और ऊपर सलमान खुर्शीद भी कहते हैं कि भाई मुझे भी ले जाते तो अच्छा रहता। वो ये भारतीय जनता पार्टी है, दिन रात कार्यकर्ता मेहनत करता है और पार्टी में शामिल हो गया, आगे बढ़ाता है आपकी तरह नहीं, राम भक्त हो गया। मुझे बता दो वो गुंडा कैसे तुम्हारे यहाँ राम भक्त बन जाता है, जो गुंडे को जिनको तुम अपनी सदस्यता दिलाते हो पार्टी में? सदस्यता दिलाना काम है 1974 से पहले, 1974 से पहले इस देश में सारी जनता कांग्रेस की थी, और 74 के बाद धीरे धीरे आज 2019 में भारतीय जनता पार्टी के इतने वोटर्स हैं, तो क्या अगर जनता इधर से इधर जी हाँ, ममता राज या फिर होंडा राज, और चर्चा आज इसी बात को लेकर के कर रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, 28,000 राजनीतिक हिंसाएं या फिर हिंसाएं पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार होती आई, और ऐसी स्थिति में अभी भी कोई स्वीकार करने को ये तैयार नहीं है मौजूदा वक्त में जो पार्टी सत्ता में है, कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है या फिर इसे राजनीतिक हिंसा कहा जा सके, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं कि किसी एक ही पार्टी के लोगों की हत्याएं हुई है, हत्याएं टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हुई है, मगर इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंगाल और राजनीतिक हिंसा या फिर हिंसा का ताल्लुक इतना गहरा आपस में क्यों है। पूरा खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, शिवम त्यागी जी हैं, जितेंद्र नरेगा जी हैं, समीर चौगांकर जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, दिलीप पाठक जी, विष्णु विनोदम जी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शिवम त्यागी जी और जितेंद्र जी, आप दोनों लोग दरअसल इस बात को लेकर के उलझ रहे थे कि हमारी पार्टी में कांग्रेस का यह कहना था कि जब बीजेपी में वही गुंडा एलिमेंट आ जाता है तो वो गंगा नहाया हुआ हो जाता है, क्या ये सच नहीं है शिवम त्यागी जी? अगर उनका ये सवाल है, क्या पूरे तौर पर इसे खारिज किया जा सकता है? बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता, कोई भी नेता किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में आ सकता है। 70 के दशक में पूरा देश कांग्रेस ही था, आज भारतीय जनता पार्टी से पूरी देश की जनता जुड़ी हुई है, इसी तरह से नेता भी आ सकते हैं। सवाल उठता है आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो आपके शीर्ष नेतृत्व है, वो किस तरह से चीजों को देखता है और लेता है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उसके तहत उसका कार्यकर्ता काम करता है, चाहे कोई बाहर से आए चाहे कोई वहीं पर कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल में तो चुनाव लड़ नहीं रही, अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है तो आप ये देखिए वहां की जो लोकल व्यवस्था या सरकार है उसको देखने की जरूरत है। हम तो चुनाव पूरे देश में लड़ते हैं ना, हर जगह तो हिंसा नहीं होती, यानी कि बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा का सपोर्ट, समर्थन या उसमें हिस्सा नहीं लेती। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पश्चिम बंगाल को ममता दीदी एक तरह से अपने ही आप में अगर देखा जाए तो दूसरे देश की तरह ले रही हैं, और कभी ना हटने वाले मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रही है। बेहतर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ने दें। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ समीर जी। बिल्कुल,
मैं त्यागी जी के पास से पूर्णतः सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वर्किंग का तरीका है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चार चरित्र चेहरा है उसमें अगर कोई इस तरह का हिंसक वृत्ति का आदमी भी आएगा तो वह वहाँ आकर सुधर जाएगा और राष्ट्र निर्माण की बात करेगा। मैं आपको बंगाल की एक बात बताना चाहता हूँ कि बंगाल बहुत उर्वर और राष्ट्रभक्त की भूमि रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी बंगाल से आते हैं और उन्होंने अपनी जान प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर नारा दिया था कि इस देश में दो विधान दो संविधान नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी जान दी थी। मैं आपको बता दूं 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना हुई थी और 1930 में बंगाल में संघ की शाखा शुरू हो गई थी। आज उस समय को 70 साल हो गए 80 साल हो गए लेकिन संघ ने कभी भी किसी भी हिंसा का साथ नहीं दिया और बंगाल के अलावा पूरे देश में कहीं भी संघ का स्वयंसेवक किसी भी हिंसा में शामिल नहीं रहता है। संघ राष्ट्र सेवा में जुटा हुआ एक संगठन है, व्यक्ति निर्माण में जुटा हुआ एक संगठन है, सामाजिक समरसता की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि जब संघ के स्वयंसेवक वहां पर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए तो उनके खिलाफ इस तरह की राजनीतिक हिंसा करना, उनकी हत्याएं करना बहुत गलत है और इसका परिणाम टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। मगर शुरुआत में, इस चर्चा की शुरुआत में सीधे सीधे तौर पर इस तरीके से आरोप बीजेपी और संघ पर ही टीएमसी के प्रवक्ता ने लगाया था। आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सेना के हैं, आरोप आप लोगों पर यह लगता है कि कोई भी हत्या होती है तो आप लोग सीधे सीधे तौर पर उसमें धर्म का, लिबास का और इन तमाम चीजों का आप लोग एक एक एलिमेंट उसमें ढूंढ लेते हैं, क्या इससे पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है और जैसा भी दिलीप जी ने कहा यह बड़ा निंदनीय है और इनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत एक लंबे समय से बंगाल इस स्थिति से जूझ रहा है और इनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अगर ये नहीं लेते तो बड़ी बेशर्म सरकार कहलाई जाएगी और इससे बड़ी गलत बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। जो भी है बहुत गलत हो रहा है बंगाल के अंदर। दिलीप पाठक जी आपकी निगाह में ये क्या है? आपकी निगाह में एक एक, एक 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर दी जाती है, 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है, आपकी निगाह में क्या है? हेलो दिलीप पाठक जी, आ रही है आपकी आवाज? हेलो पाठक जी, आप सुन पा रहे हैं? आप प्रश्न तो करें, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ जी। दिलीप पाठक जी, मैं कह रहा हूं कि आपकी निगाह में फिर इसे ये क्या है? आप इसे किसी तौर पर अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर, अपने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल नहीं देना चाहते हैं और सब कुछ ठीक ही है, लेकिन ये 13 हत्याकांड फिर है क्या? कैसे इसको समझे? अभी 3 दिन हुआ है, आप समझ तो दीजिए ना। अब उसमें जो भी एजेंसी होगी, CBCID जो भी एजेंसी होगी, पुलिस से जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। आप परेशान मत होइए उसके लिए, आपको उसके लिए डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या रहा। अरे सर आप देखेंगे रिजल्ट। अरे सर, निर्मम हत्या कर दी गई, आप कह रहे हैं परेशान मत होइए ना होइए, ये आपका संवेदनशील हुआ जा सकता है इस मामले को लेकर के। जी जी, ये आपका ही कहना तो है कि परेशान मत होइए, लेकिन बंगाल की जनता को देखिए ना कितना परेशान चल रही है। बड़ा आसान है, आपने आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन शिवम जी आप सवाल की जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे। आप सवाल तो शर्म आनी चाहिए, सच तो ये दिखाए हम माला नहीं, हथियारों को माला पहना के संवेदनशीलता दिखाए हम नहीं, हथियारों की माला पहनेंगे, हथियारों की कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि आप घोटालेबाज कमिश्नर के लिए तो रात को 12 बजे बैठ जाएंगे, CBI को भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अगर आप ही के प्रदेश में आप ही की जनता के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो आप कहते हैं चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है, क्या क्या ठीक है, ठीक है। पुलिस ये कह रही है, पुलिस दो चीजों पर संदेह जता रही है कि ये पैसों के लेन देन को लेकर के इसमें जाती रंजिश हो सकती है। एक चिट्ठी के आधार पर पुलिस को यह भी शक है कि इसमें दंपति के बीच में, पति पत्नी के बीच में संबंध में बहुत अच्छे नहीं थे। इन तमाम चीजों के बीच में क्या सीधे तौर पर यह कह देना कि TMC के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी, क्या ये उचित है? देखिए कार्यकर्ताओं ने, मैं कहता हूं आप कभी भी किसी चीज को अगर देखेंगे या उसका जजमेंट लेंगे या उसके बारे में कोई अपनी राय बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्व में जाकर उस तरह के इंसिडेंट्स को छानेंगे कि वहां पर हुआ क्या है।
पूर्व में आपने देखा है किस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर और तमाम पुलिस प्रशासन को वहां पर मिसयूज किया गया है, उन्होंने गलत चीजें करी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला है, वो तस्वीर इस पूरे देश ने देखी जब इस देश के केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाते वक्त लोगों ने कॉलर पकड़ के शर्ट फाड़ दी। अगर एक देश का केंद्रीय मंत्री सेफ नहीं है एक प्रदेश में, तो मैं कैसे मान लूं वहां की पुलिस बिल्कुल सही है? क्या ये आईएसएस मॉडल पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या जैसे बगदादी काम करता है ऐसे ही बगदीदी काम नहीं कर रही है? मैं सिर्फ इतना शुरुआत शुरुआत तो एक एक कहीं ना कहीं तो परेशानी है, उस पुलिस पर कैसे विश्वास किया? कांग्रेस से एक तरीके से लेफ्ट की तरफ आई सरकार, काफी लंबे वर्षों तक लेफ्ट रही, उसके बाद में टीएमसी और अब बीजेपी वहां पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपसे ही हुई थी। सर मेरी बात सुनिए, देखो ऐसा है, बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे हैं, ये भी दूध के धुले नहीं रहे हैं। आज मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हो जाती है। सर हम किसी और दिन उस पर हम चर्चा कर लेंगे, हम किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। मेरा इतना कहना है कि क्या शुरुआत कांग्रेस पार्टी के वक्त से नहीं हुई जो अभी तक चली आ रही है? देखिए जब कांग्रेस का शासन था इतनी हत्याएं वहां नहीं होती थी, राजनीतिक हिंसा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत चुटपुट तो सभी जगह सभी प्रदेशों में होती है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो घटनाएं हुई है निंदनीय है और हम इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि वहां का एक चाहे आरएसएस से ना भी जुड़ा हो, चाहे वो आरएसएस से जुड़ा नहीं हो, वहां की आम जनता है बीजेपी और टीएमसी के बीच में वो जनता पिस रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, ये दोनों पार्टियां विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती। आप जब निभाते ही नहीं विपक्ष की भूमिका, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की जनता के लिए लड़ेगी, लेकिन आप लड़ते नहीं। बिहार में 200 लोग मर गए, आपका प्रधानमंत्री तो है ना, है ना वहाँ पर प्रधानमंत्री का देखा नहीं आपने? ट्वीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के अलावा और कांग्रेस का है? वो जनता नहीं है क्या? कांग्रेस का है? भारतीय जनता नहीं है क्या? आपके तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में भी नहीं है, बैंकॉक चले गए, आप कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी भी वहीं पे है, कार्यकर्ता भी वहीं है, स्वयंसेवक संघ भी वहीं पर है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कांग्रेस कहाँ पर है? इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, इस देश के राजा होने के नाते कांग्रेस कहाँ है मुझे बताइए? बिहार के संबंध में आपने क्या किया? आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या किया? आपके राहुल गांधी ने ट्वीट लिखा और निकल गए देश से, राजनीतिक रोटियां से जब हम कांग्रेस राजनीतिक रोटियां अगर भारतीय जनता पार्टी ने सेकी होती है 2019 में 303 सीटें नहीं मिली होती, राजनीतिक पार्टियां अगर सेकी होती तो पश्चिम बंगाल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। हम काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियां जो रोटी सेकती हैं उनके हालात क्या है देख लिया है बीजेपी भी, और तुम्हारा भी इतिहास रहा बहुत जब इतिहास इस देश की जनता ने देखा है, इस देश की जनता बहुत विवेकपूर्ण है, तोल मोल के डिसीजन लेती है और डिसीजन ले लिया करते हैं, ये इतिहास है आपका भी। अब ऐसे में समीर जी इसको कैसे समझा जाए? ठीक है, मैं उसी चीज पर आना चाह रहा हूँ समीर जी, इसको समझा कैसे जाए? क्या बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए, वहां की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करने के लिए हिंसा का सहारा पार्टियां लेती आई हैं, लेती रहती हैं, ले रही हैं, और यही चीज वहां पर हो रहा है? समीर जी कैसे देखें? बिल्कुल जब्बार भाई, आप देखिए कि बंगाल में 33 साल वामपंथियों का सरकार रही और इस 33 साल के सरकार में संघ के 4,700 स्वयंसेवकों की हत्या की गई। उस समय किसी ने भी यह नहीं कहा कि ये संघ के स्वयंसेवक की हत्या क्यों हो रही है। ममता बनर्जी उसमें विपक्ष में थी लेकिन कभी भी उसने संघ के साथ नहीं दिया, और आज 7 साल ममता बनर्जी के शासन को बंगाल में हो गए, उस 7 साल के अंदर 213 स्वयंसेवकों की हत्या हुई है। संघ ने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया, संघ ने इतनी हत्या होने के बाद में अपने स्वयंसेवक खोने के बाद भी संघ स्वयंसेवक संयमित है, देशभक्त में जुटा हुआ है और कानून की कार्रवाई की ओर देख रहा है। क्या इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है? क्या बिल्कुल पूरे तौर पर हाथ बंधे हुए हैं? अगर इतना सब कुछ ममता बनर्जी के राज में हो रहा है तो इस समस्या का समाधान भी तो कोई होगा? समस्या का समाधान जनता खुद निकाल रही है ना, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए ममता बनर्जी कहां पहुंच गई है। मैं कह रहा हूं आप 2 साल रुकिए, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ के बाहर कर देगी और वहां सुशासन और विकास की सरकार आएगी, उसके बाद ममता बनर्जी को समझ में आएगा। और मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार, जो अभी खबर आई है कि अमित शाह ने राज्यपाल से बात की है, और मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में रिपोर्ट तलब करेगी और उसके बाद हो सकता है कि वहां के मुख्यमंत्री को तलब किया जाए या वहां के मुख्य सचिव को तलब किया जाए। आपको याद होगा चुनाव के बीच में, उसके बाद में क्या हुआ? क्या हिंसाएं रुक गई? किसने हिंसा की? क्या चीजें रुक गई? वही मैं कह रहा हूं, मेरा वही कहना है ना कि सत्ता जाने का जो भय है, डर है
कि सत्ता मेरे यहां से चले जाएगी, तो किसी भी तरीके से शामदार दंड भेद का इस्तेमाल करो, हिंसा का इस्तेमाल करो, विपक्षी नेताओं को मारो, उनकी हत्याएं करो, उनका मनोबल डाउन करो, भय का माहौल। ममता बनर्जी से ममता बनर्जी के संबंध प्रधानमंत्री मोदी से भी अभी आकर के उन्होंने मुलाकात भी किया, इससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कुर्ते और मिठाइयां बेचती हैं सारी चीजें। क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री भी समझा नहीं पाते हैं या इन बातों पर कभी चर्चा नहीं होती है? देखिए, मेरा ख्याल चर्चा नहीं होती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीच में से एक छोटा सा सेंटेंस आपने मिस कर दिया जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोले कि मिठाइयां भिजवाती हैं। ममता बनर्जी ने कहा हाँ मैं तो कंकड़ पत्थर भिजवाती हूँ। बहरहाल वो अभी प्रधानमंत्री जी से किस लिए मिलने आई थी, हालात बहुत ज़्यादा खराब है नारदा शारदा में, जिस तरह से जाँच चल रही है उसमें तो कोई किसी तरह का उनको आराम या थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार और इन सब के खिलाफ। जहां तक बात समझने की है, अगर समझना होता तो आज से पहले समझ गई होती, क्योंकि अब तो सत्ता जा रही है, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सवाल की हत्या करानी सवाल है, है। कांग्रेस गई वो एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, बिल्कुल लेफ्ट गया वो एलिमेंट टीएमसी में शिफ्ट हो गया, टीएमसी आपके अकॉर्डिंग जा रही है वो एलिमेंट अगर बीजेपी सरकार में आती तो क्या वही एलिमेंट देखिए वही देखिए वही मैं कहना चाहता हूं। देखिए यही फर्क है, कोई भी एक चीज देखिए, आज आप देखिए कांग्रेस से बीजेपी में बहुत सारे लोग आए, आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से 19 में आई और 19 के बाद अभी भी चल रही है कंटिन्यूटी के साथ। आप देखिए वही नेता, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो घोटालों में कितने लोग अंदर हैं अभी फिलहाल, मतलब एक होम मिनिस्ट्री का ऑफिस दलाली के लिए यूज हुआ है और इस देश में इससे बड़ी क्या बात होगी, लेकिन वही अब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में है। जीतन एक पार्टी की लाइन है, मुझे एक चीज बताइए, जब इतना बड़ा वहां हादसा हो रहा पश्चिम बंगाल में केंद्र में, जब इनकी सरकार है, राज्यपाल क्यों नहीं बोल रहा है कि हाँ इतना बुरा हाल है, केंद्र सरकार क्यों नहीं वहां कार्रवाई कर रही, ये गलती किसकी है, केंद्र सरकार की किसकी है? जो मेरे भाई कह रहे हैं घोटालों की बात, घोटाले तो रुकिए ना, बताएंगे कितने घोटाले आपके राज में होने वाले, जरा हमारी सरकार आने दो, अगली बार हम बताएंगे आपको कितने घोटाले किए आप लोगों ने। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी जवाब, हमने सब लोगों की लिस्ट तैयार कर रखी है कौन कौन घोटाले, सुनो आप तो बदले वाले लोग हैं, तैयार कर देते हैं, सुनो फर्जी एनकाउंटरों में रोक के राजमाता सीधा किस किस को अंदर करा देती है, इस देश ने देखा है। अरे सुनिए, घोटाले खुलेंगे, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं है, 176,000 करोड़ पहले मांग लिया आरबीआई से, 38,000 करोड़ श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए हैं। श्याम जाजू जी, यहाँ पर मेरे साथ में पूरा पैनल मौजूद है, बीजेपी कांग्रेस और राजनीतिक विशेषक हर कोई, मगर क्या ये पश्चिम बंगाल के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, हिंसा, राजनीतिक हिंसा या फिर कानून व्यवस्था का फेलियर, कैसे आप देखते हैं इसे, समझते हैं? आज देश में सभी प्रांतों की तुलना में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश, जहां बेरोजगारी है, जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा प्रदेश है वेस्ट बंगाल। पहले तो कम्युनिस्टों ने उसको बिगाड़ा, उसके बाद कांग्रेस की ट्रायल हुई और अभी टीएमसी की ट्रायल चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम इतना बड़ा अच्छा प्रदेश, जो कलकत्ता एक टाइम देश की राजधानी हुआ करती थी, वो वेस्ट बंगाल पूरी तरह से खराब करने का काम इस कार्यकाल में तो श्याम जाजू, क्या सत्ता के साथ में वो एलिमेंट हमेशा जुड़ा रहा है, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, सभी सत्ता पक्ष पार्टियों के साथ में वो एलिमेंट जुड़ता रहा है, क्यों ना माना जाए कि बीजेपी के साथ भी जुड़ जाएगा, ये सवाल आज कांग्रेस उठा रही है। वेस्ट बंगाल के जनता को इन्होंने उभरने नहीं दिया, विकास होने नहीं दिया, उनको मुख्य धारा में आने नहीं दिया और वेस्ट बंगाल पिछड़ा हुआ रहा है। आज तो वहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम चल रहा है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतंत्र को पूरी तरह से दरकिनार करके वहाँ जो हिंसा का वातावरण तैयार किया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। प्रदेश कोई भी विपक्ष की भी सरकार हो सकती है, ठीक है, पर लोकतंत्र में श्याम जाजू जी, आप दिल्ली से लेकर के अलग अलग राज्यों की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं और पॉलिसीज को जमीनी स्तर पर लाते हैं, मगर क्या इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में कोई इलाज आपके पास है पश्चिम बंगाल को लेकर के, अगर आप लोग सत्ता में आए तो कैसे रुकेगी वहां पर? निश्चित रूप से हमारे पास इलाज है। लोग आज वेस्ट बंगाल में टीएमसी छोड़कर जो बीजेपी में आ रहे हैं, वहाँ एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प लोगों को भारतीय जनता पार्टी लग रहा है, और आज जो ये इस प्रकार का हिंसाचार का वातावरण वहाँ फैलाया जा रहा है, आतंकवाद और दहशत फैलाई जा रही है, इसका यही कारण है कि उनकी जमीन खिसक रही है, उनके लोग उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं। तो सर, जमीन खिसकने से अगर इतना डर है उनको, वो ये सब कर रहे हैं, जब जमीन खिसक जाएगी तब वो क्या करेंगे?
क्या कर रहे हो? निश्चित रूप से वो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल उसको नकारने की स्थिति में आया है। आने वाले विधानसभा में वहाँ राजनीति से पार्टियों से लोग बाग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ पैसे का लाभ। बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी, आरएनआई टीवी के साथ जुड़ करके आपने प्रतिक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। आप समीर जी, इसको कैसे देखा जाए? ठीक है विष्णु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से बात करते हैं। ठीक है मैं आ रहा हूं आप बोलिएगा जी। जब्बार मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए विपक्षी सरकारें तो देश के किसी भी राज्य में और सब जगह रही है, कहीं भी दो राज्यों को आप छोड़ दीजिए, बंगाल के और केरल के, जहाँ पे इतनी राजनीतिक हत्या और हिंसा हुई है, उन दो राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा हत्या क्यों हुई? उसका कारण यह है कि ये दोनों राज्य जो है वह वामपंथ के प्रभाव में रहे हैं और उन्हीं के अनुयायी टीएमसी के लोगों के प्रभाव में रहा है, इसी कारण इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा हुई है। विपक्षी सरकारें तो उत्तर प्रदेश में भी थी, दूसरे राज्यों में भी थी, लेकिन ये इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा इस विचारधारा के लोग, जिस विचारधारा वामपंथ की है और उसको फॉलो करने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी की है, उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मुझे लग रहा है अब वक्त आ गया है। अभी समीर जी, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ममता और मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा जो हम देख रहे हैं 2014 के बाद से लगातार, क्या ये उसका भी एक कारण है कि वहां पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में बीजेपी वर्सेस टीएमसी कार्यकर्ता भी आपस में उलझे पड़े? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें मोदी बनाम ममता का नहीं, एक तो मानसिकता है। मोदी जी तो पूरे देश के नेता, सभी राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, सारे देश में चुनाव प्रचार करते हैं और भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन आप देखिए कि ममता बनर्जी विपक्ष में रहते भी ममता जी ने क्या किया, सिंदूर में टाटा को भगाने के लिए कैसे वहाँ हिंसक घटनाओं का सहारा लिया, और एक जो विकास के लिए वहाँ पर एक उद्योग बड़ा आ रहा था टाटा का नैनो प्लांट, वहाँ उन्होंने अपने हिंसा के दम पर वहाँ उसको टिकने नहीं दिया और उसी उद्योग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे 24 घंटे के अंदर आनंद सानंद में ले गए और वहां उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की मानसिकता है वामपंथी की मानसिकता है कि हिंसा करते रहो और केंद्र वर्सेस जो केंद्र वर्सेस जो पश्चिम बंगाल हो रहा है, क्या इसमें पश्चिम बंगाल का नुकसान नहीं हो रहा है? आयुष्मान भारत योजना अभी तक ममता बनर्जी ने वहां लागू नहीं किया, ना करना चाह रही ना करेंगी वो। कई सारी ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के वो विरोध करती हुई आई है। क्या इस आपसी विरोध के चक्कर में जनता का नुकसान नहीं होता है? देखिए ममता बनर्जी को दिलीप पाठक जी से एक में जवाब, अच्छा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा दिलीप जी, आप जी, क्या ममता बनर्जी अपनी और बीजेपी से दुश्मनी के चक्कर में बंगाल की जनता का नुकसान नहीं कर रही है? कई सारी परियोजनाएं, योजनाएं जमीनी स्तर पर वहां पर आई नहीं, ना ही उसे लाने देना चाहती हैं वो, और वही असर उसी खुन्नस का, वही असर उनका असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। किसी भी परियोजना की जरूरत होती है जब वहाँ के लोग उसको खरीदने वाले हों और उसके भविष्य रोक हुई टाटा मैन्यू कंडीशन आप देख रहे हैं ना, जब्बार जी भी जवाब दूंगा। फैक्ट्री बंद हो गई, वहाँ पे हजारों का जमीन चली गई किसानों की गुजरात में और बंगाल में। लक्की फैक्ट्री क्या होता वहाँ पे, वहाँ भी किसानों की जमीन चली जाती और ये जमीन किसी एक बड़े व्यापारी हाथ से बच जाती। जब्बार जी मैं कहना चाहता हूँ सोच और विचार का कैसा फर्क होता है। आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और मोदी के बीच जिस तरह की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जब्बार जी चलती रहे इसकी व्यवस्था तो करिए आप। ठीक है महेंद्रा जी, आपके एम्बेसडर की शुरुआत बंगाल से हुई है, ठीक है मैं समीर जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। विष्णु जी, विष्णु कि जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ममता बनर्जी मोदी से विरोध के कारण योजनाएं वहां लागू नहीं कर रही है, मैं इसी बात का आपको जवाब देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय केंद्र में मनमोहन की सरकार कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब नरेंद्र मोदी जी को वहां कमजोर किया जाए, परेशान न किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी अपने राज्य के साथ अहित का काम नहीं किया, उन्होंने विकास की गंगा गुजरात के अंदर बहाई और उसी के दम पर वह देश के प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को यह सीखना चाहिए। ठीक है, काफी देर से मैं आपकी तरफ नहीं आ सका जी। ऐसा है, अच्छा बोलिए सर, कि देश के जो कमान है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, ये गॉडफादर हैं देश के, और मेरे ख्याल से बंगाल इस देश में ही आता है और जिम्मेवारी इनकी भी बनती है जिससे ये नहीं मान रहे। वहाँ पर जैसे अभी कश्मीर में 370 ला करके काम किया, वहाँ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इनको जिम्मेवारी लेते हुए वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो दो पार्टों में जो पिस रही है वो जनता है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। इस पर जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है आप जितेंद्र जी
जीतन जी, अब आ चुके हैं, मैं कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं एक एक कमेंट लेकर इस कार्यक्रम को विराम लगाऊंगा। क्या देख रहे हैं और आगे आने वाले वक्त को किस तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, ममता बनर्जी का या उनकी पार्टी का जो वर्चस्व था वो कम होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। देखिए ऐसा, और ऐसे में आक्रोश कैसे बढ़ेगा दोनों पार्टियों के बीच में? देखो ये तो चुनाव आते हैं तो उस दौरान इस तरीके की जो बीजेपी आरएसएस जो है इस तरीके की प्रायोजित हत्याएं कराती रहती है, इनका इतिहास है। ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं और जब सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आरोप लगाते हैं राज्य सरकार पर, केंद्र राज्य सरकार लगाती है केंद्र सरकार पर। दोनों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहाँ की जनता देखनी, जनता का को देखना चाहिए। जो योजनाएँ वहाँ लागू नहीं है ममता जी को वहाँ लगानी चाहिए। जो पैसा का ये जो हीन भावना से दूसरे राज्य पार्टी को देखते हैं इनको भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल में संघ की शाखा शुरू हुए 90 साल हो चुके और आज बंगाल में संघ के 10 लाख से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता है। मुझे आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि 90 साल के अंदर संघ के किसी स्वयंसेवक ने या संघ ने वहां पर कोई हिंसा का काम किया हो। ठीक है, संघ राष्ट्र निर्माण के लिए जुटा हुआ संगठन है, देशभक्ति के लिए काम करने वाला संगठन है। एक भी उदाहरण बता दीजिए जिसमें किसी स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया हो और सजा हुई हो। एक भी संघ का स्वयंसेवक नहीं था, मैं आपको बता दूं दिलीप जी, बाद में क्लीन चिट दी है, आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है दिलीप जी, इस हत्याकांड के अपराधियों को कब तक आपकी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? दिलीप जी कोई आश्वासन देंगे? दिलीप जी कोई आश्वासन, तेरे हत्याकांड के कातिलों को कब तक पकड़ा जाएगा? राजनीतिक हत्याकांड से जोड़ देना, देखिए बिल्कुल राजनीतिक हत्याकांड से जोड़ देना सही है जब्बार जी, क्योंकि उनकी सरकार का कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं रहा है। किस तरह से आपने उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा अगर मैं कहूं एक चीफ मिनिस्टर द्वारा, तो वो भी आपने देखी है। अगर इसके अलावा छोटी सी 10-10 सेकंड की टिप्पणी और चाहूंगा, विष्णु विनोदम जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में है हम, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है वो बिल्कुल कार्रवाई करेगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस पर उस समय कांग्रेस क्या रिएक्शन करती है। और कांग्रेस ने कहा हमारा इतिहास रहा है लोगों को मारने मरवाने का, मेरे साथ मजबूरी है इस देश में 1947 एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी और घंटों की कश्मीरी पंडितों तक आप ही तो लोगों को मरा है। उम्मीद है कि आज हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, मगर आपने स्थिति जो देखा सुना और समझा है उससे हालात का जायजा बेहतर तौर पर आप लगा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, शिवम त्यागी जी, जितेंद्र जी आपका, समीर जी, संतोष जी, दिलीप पाठक जी और विष्णु जी, आप सभी लोग आए और R9 टीवी के माध्यम से आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मगर जिस तरीके से लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल में हिंसा, सत्ता, सत्ता पक्ष, विपक्षी पार्टी, कार्यकर्ताओं का मारा जाना या फिर कानून व्यवस्था का फेलियर, जिस तरीके से ये रहा, अपने आप में सवाल दशकों से उठते हुए आ रहे हैं। सोचना और समझना होगा कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, इलाज क्या है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।